बहुत साल पहले पहाड़ से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चंपाई। चंपाई के लोगों का काम था खेतीबाड़ी करना। पहाड़ के नीचे जो जमीन रहती थी वहां पे वो लोग खेतीबाड़ी करते थे। ऐसे ही सुख शांति से दिन बीत रहे थे। अचानक पहाड़ से बहुत सारे पत्थर उनकी जमीन पे गिरने लगे। गांव वाले बहुत ही चिंतित होने लगे। ऐसा कितना दिन चलेगा भाई? रोज रोज पत्थर गिर के खेतीबाड़ी की जमीन खराब होती जा रही है। अरे ये बोल रहे रघु भैया, अरे खेती करना तो दूर, अगर ऐसे ही जमीन में पत्थर गिरने लगे कुछ दिन बाद भेड़ बकरी के लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। एकदम सही कहा। पहले कितनी ज्यादा फसल होती थी इस गांव में, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, और अब हमें खाने पीने के लिए सोचना पड़ता है, और आज देखो। अरे पूरा जमीन पत्थर से भर गया है, क्या होगा इसके बाद कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा, हम इस तरह से ऐसे बैठे नहीं रह सकते। ऐसा ही चलता रहा तो हमें भूखा मरना पड़ेगा। अरे अरे अरे, बची बची। अरे हट जाओ। देखा देखा तुमने, पत्थर के गिरने की वजह से और थोड़ी सी जमीन खिसक गई। नहीं, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चलिए हम लोग बूढ़े बाबा के पास चलते हैं, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। अरे तुम लोग हड़बड़ा क्यों रहे हो, एक एक करके बताओ क्या हुआ है। करने के लिए बात सिर्फ एक ही है बाबा, अरे इस गांव में खाना पीना रहना दुर्लभ हो गया है। पहाड़ टूटकर, पत्थर गिरकर पूरा जमीन पत्थर पत्थर हो गया है, खेती करने के लिए भी जमीन नहीं बची है। अब हम कैसे जिएंगे बताइए जरा, हम खाएंगे क्या बताइए हमें, और परिवार को भी क्या खिलाएंगे। अभी हमें यहाँ से अभी जाना पड़ेगा, हम यहाँ और नहीं रह सकते। ताऊ कहाँ जाओगे? क्यों, शहर में जाएंगे? मुझे लगता है शहर में जाना अच्छी बात है, मुझे लगता है शहर में रहना ही अच्छी बात है, नहीं तो हमें। हाँ, तुम हमारे नेता हो, कुछ करो हमारे लिए, ऐसे नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ करना ही होगा तुम्हें, कुछ तो समाधान करना ही होगा तुम्हें। सुनो, इस गाँव में ये समस्या पिछले 5 वर्षों से चली आ रही है। युगो युगो से हमारे पूर्वज इस गांव की मिट्टी में दबे हुए हैं। अगर ये जगह हमने छोड़ दी तो उसके साथ हमारा रहना, हमारा रोजगार, हमारा हर चीज बदल जाएगा। हमारा प्यारा गांव अब बस एक पत्थर का खंडहर बन चुका है, हमें यहाँ रह के क्या मिलेगा? हमें तो पहले खा पी कर जिंदा रहने के बारे में सोचना होगा, और इसके लिए अगर खेती छोड़कर शहर में जाकर दूसरा रोजगार हम कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, आप लोग गलत सोच रहे हैं, ये गांव हमारा अपना है, इसको बचा के रखने की जिम्मेदारी भी हमारी खुद की है, इसे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। मैं कल उत्तर दिशा की तरफ जाऊँगा, मैं खुद जाकर देखूँगा। वो देखो बाबा, वो देखो, खेती बाड़ी की जमीन पर पत्थर पड़े हुए हैं, और इस जमीन के साथ साथ हमारा नसीब भी इन पत्थर के नीचे दबा हुआ है। अब आप ही बताओ हम कैसे जिए, क्या करें बताइए। वो तो मैं देख रहा हूँ। अब आप ही बताइए बाबा, यहाँ जमीन कहाँ बची है जिसमें हम खेती कर सके। खेती बाड़ी नहीं कर पाए तो खाएंगे क्या, और परिवार को कैसे खिलाएंगे। रुको रुको, मैं जरा सोचता हूँ कुछ कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, आप जो बोलेंगे हम लोग वही करेंगे बाबा। ठीक है, मेरे पास एक उपाय है, तुम लोग सब मिलकर मेरे साथ आओ, देखते हैं। अब तुम लोग एक काम करो बच्चे लोग, सब मिलकर हाथ लगाकर इस बड़े पत्थर को उठाकर किनारे कर दो। अब इसके बाद ही इस पत्थर को उठाओ। क्या खेती करने के लिए जमीन मिल गई? हाँ बाबा, हमें तो बहुत सारी जमीन खेती करने के लिए मिल गई। देखा, अगर अपने भाग्य में पत्थर दबा हो तो उस पत्थर को निकालने की जिम्मेदारी भी तो हमारी खुद की है। आपने सही कहा, हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था, पत्थर एक बार हटा देंगे तो हम फिर से खेती बाड़ी कर पाएंगे। बहुत
बहुत दिन बाद अब हम निश्चिंत हो गए हैं, खेती भी कर सकते हैं, भेड़ बकरी के लिए घास भी हो गई है। सच में बूढ़े बाबा बहुत तेज दिमाग के हैं। हाँ तुमने सही कहा, मगर मेरा चिंता तो खत्म ही नहीं हो रहा है। मैं क्या करूँ, एक बात तो मैं किसी भी हालत में भूल ही नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ। अरे बाप रे, तुम्हारे पास भी दिमाग है क्या? तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं भी तो सुनूं। तुम लोग तो उत्तर से पत्थर लेके पश्चिम में लाके रख दिया और खेती बाड़ी भी आप लोगों ने चालू कर दिए, मगर चंपाई में तो पूर्व और पश्चिम की तरफ बहुत सारी जमीन है, वहाँ पे भी खेती बाड़ी का जमीन खत्म होते जा रहा है। कुछ दिनों के बाद तो वहाँ के आदमी को भी दाल चावल का कमी दिखाई देगा, तब क्या होगा? अरे हम बच जाएंगे तब हमारे पिताजी का नाम होगा। कुछ भी बोलते रहती है, अभी सो जाओ। अरे क्या हुआ श्याम, सुबह सुबह काम काज छोड़कर हम लोगों से बात करने आए हो? काम रहेगा तो छोड़ कर आऊंगा ना, तुम्हारी वजह से हम लोग बेकार हो गए, समझे? क्या हो गया भाई हरिया, हमें क्यों बदनाम करते हो, हमने क्या किया है? ओए बेवकूफ मत बनो, तुमने सारे पत्थर हमारी जमीन पर फेंक के हमारी जमीन को खराब कर दिया है। खुद की जमीन साफ रखी और हमारी सारी जमीन खराब कर दी तुम लोगों ने, हा? अब हम कहाँ खेती बाड़ी करेंगे बताओ मुझे। छी 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 छी, कितने खराब हो तुम लोग। हमने बहुत सही किया है, हमने अपनी व्यवस्था कर ली है, अब तुम्हें जो सही लगता है तुम करो। ठीक है चल हरिया, अब हम भी उनकी जमीन पे पत्थर रख देंगे, फिर देखते हैं कि वो क्या करते हैं। आपने तो सब सुन लिया, अब आप ही बताइए बूढ़े बाबा। देखिए ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, तुम दोनों ही अगर कुछ जमीन पत्थर रखने के लिए बचा के रख दो तो बाकी बचे जमीन में खेती करके खा पी सकते हो। मगर उत्तर की सारी जमीन तो ब्राह्मणों की है और आपको तो पता ही है पश्चिम की सारी जमीन शूद्रों की है, अब आप बताइए उनका छुआ हुआ पत्थर हम अपनी जमीन पे रखेंगे तो खेती बाड़ी कैसे करेंगे? अरे कितने बददिमाग है ये लोग, पत्थर में भी जात का नाम लिख दिए हैं। सुनो दादाजी, हम उनके जमीन का एक भी धान छूना भी नहीं चाहते, आप उन्हें साफ साफ बता दीजिए, अगर हमारी जमीन पे वो एक पत्थर तक भी नहीं फेंक सकता है, अगर हम भूखे भी मर जाए तो भी हमें चलेगा। हे ऊपर वाले, अपने ही पैर में पैर देकर इंसान कितना छटपटा रहा है। ठीक है तो सभी पत्थरों को उठा के पहाड़ के किनारे जमा कर दो, इससे तुम दोनों दिशाओं की जमीन में खेती कर सकोगे। ना रे ना, हमसे इतनी मेहनत नहीं हो पाएगी। अरे इतनी मेहनत कौन करेगा? समझ गया, तुम लोग मेहनत करना नहीं चाहते हो और न छोड़ना चाहते हो, सब कुछ आसानी से मिल जाए बस यही तुम चाहते हो। अब बस मेरे पास एक ही उपाय है, हम अपने कुल देवता के सामने प्रार्थना करेंगे, वो जो रास्ता दिखाएंगे हम उसी रास्ते पर चलेंगे। ठीक है यही सही रहेगा। नमस्कार दादाजी, ऊपर वाले ने आपको कोई रास्ता दिखाया, बताइए मुझे। हाँ मेरी प्रार्थना सुन के कल रात वो मेरे सपने में आए थे, उन्होंने जो बताया वही तुम्हें बताऊंगा करके तुम्हें यहाँ बुलाया हूँ। बोलो 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 बाबा बोलो, उन्होंने क्या आदेश किया है? हम सब उनका आदेश मानेंगे, हम सब उनके आदेश का पालन करेंगे। उन्होंने मुझे सपने में बताया कि पहाड़ के नीचे एक पत्थर का मंदिर तैयार करना होगा, जहाँ पूजा करने से हमारे कुल देवता वास करेंगे। और कुछ उन्होंने ऐसा कुछ बताया कि हमारी मुसीबत ही खत्म हो जाए? नहीं,
मंदिर बनाने के लिए हमारे घरों को भी उस मंदिर के आसपास ही बनाना होगा, फिर जल्दी ही हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। ठीक है, तो अब ऐसा ही होगा। जो भी आदेश उन्होंने दिया है हम सब उनका पालन करेंगे, क्या बोलते हो भाई साहब? हाँ हाँ, हम कल से काम शुरू कर देंगे। हाँ हाँ, कल से। देखे मेरी बुद्धि का कमाल, जो पत्थरों को किनारे करने के लिए राजी नहीं थे उन लोगों को ऊपर वाले का नाम लेकर उनसे ये काम करवा लिया। बूढ़े बाबा, बहुत आनंद आ रहा है, अब हमारे खाने पीने रहने की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। हम हमारा गांव छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, हमारी मातृभूमि है, हम यहीं रहेंगे। तुमने हम पर बहुत ही बड़ा उपकार किया है। हे ऊपर वाले, मुझे कोई दोष मत दीजिएगा ऊपर वाले, इन इंसानों को उनकी पहचान कराने के लिए मुझे आपका सहारा लेना पड़ा। जय जय हो कुल देवता की, जय जय गण देवता की, जय सब इंसानों की जय।